इंडिया के सीईओ रॉकिंग स्टार यश की आगामी फिल्म टॉक्सिक जो कि एक गैंगस्टर ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिसमें शाहरुख खान को एक स्पेशल रोल देने के लिए शाहरुख खान से बातचीत की गई थी, जिसके लिए शाहरुख खान ने कुछ दिनों का समय मांगा था कि वो टाइम लेकर इस पर अपनी राय बताएंगे कि वो टॉक्सिक फिल्म में ये महत्वपूर्ण किरदार करेंगे या फिर नहीं। तो अब फाइनली शाहरुख खान का टॉक्सिक फिल्म के लिए जवाब आ चुका है, लेकिन ये जवाब शाहरुख खान की तरफ से नहीं बल्कि इंडिया के सीईओ रॉकिंग स्टार यश की तरफ से आया है, क्योंकि इंडिया के सीईओ ने अपने एक इंटरव्यू में टॉक्सिक फिल्म के बारे में बताया है कि हमारे टॉक्सिक फिल्म में एक महत्वपूर्ण किरदार के लिए शाहरुख खान से बातचीत चल रही है और उन्हें हम टॉक्सिक फिल्म में कोई कैमियो सीन नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण किरदार देने वाले हैं, लेकिन अभी तक इस पर कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है और जल्दी हमारी फिल्म के डायरेक्टर हमारी फिल्म की कास्टिंग की घोषणा करेंगे, तब सभी किरदारों के बारे में आपको पता चल जाएगा। तब तक आप किसी भी कास्ट को लेकर किसी भी न्यूज पर विश्वास ना करें। यानी रॉकिंग स्टार यश की बातों के अनुसार शाहरुख खान ने अभी तक टॉक्सिक फिल्म के लिए हाँ नहीं भरी है और ना ही अभी तक टॉक्सिक फिल्म के इस महत्वपूर्ण किरदार को रिजेक्ट किया है। और टॉक्सिक फिल्म गीतू मोहनदास की फिल्म होने वाली जो सन 2025 में अप्रैल में रिलीज होने वाली है, लेकिन टॉक्सिक फिल्म के लिए एक और बड़ी अपडेट है टॉक्सिक फिल्म की कास्टिंग को लेकर, क्योंकि कुछ टाइम पहले से ही करीना खान कपूर के नाम को टॉक्सिक फिल्म के नाम के साथ जोड़ा जा रहा है और अब ये फाइनल हो चुका है कि करीना खान कपूर टॉक्सिक फिल्म में अहम भूमिका में नजर आने वाली है, लेकिन इनका टॉक्सिक फिल्म में क्या किरदार होगा इसके बारे में अभी कोई भी अपडेट नहीं है। यानी अभी तक हमें टॉक्सिक फिल्म में दो कास्टिंग के बारे में पता चला है, जिसमें पहले है इंडिया के सीईओ रॉकिंग स्टार यश और दूसरी करीना कपूर खान। और टॉक्सिक फिल्म पर रॉकिंग स्टार यश ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि हमने टॉक्सिक फिल्म की घोषणा लगभग एक महीने पहले कर दी थी और जो आपने इसको प्यार और सराहना दी है वह मेरे लिए बहुत ही मायने रखती है। आपका प्यार, आपकी प्रतिक्रिया और आपके सिद्धांत मुझे और अधिक करने के लिए उत्साहित करते हैं। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग मेरे जन्मदिन पर व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलने और टॉक्सिक फिल्म के बारे में अपने विचार साझा करने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए हम सभी को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन मेरे लिए आपकी हर एक इच्छा बहुत ही खास है और हमेशा खास रहेगी। इसलिए तो रॉकिंग स्टार यश को इंडिया का सीईओ कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा ही अपने फैंस का बहुत ही ध्यान रखते हैं। टॉक्सिक फिल्म के टीजर में हमें जलता हुआ एक टिकट और एक जोकर की तस्वीर और हाथ में गन लेकर सिगरेट पीते हुए हमारे रॉकिंग स्टार यश भाई की एंट्री होती है, जिसने बस इतने से सीन से ही पूरे इंडियन सिनेमा को हिला डाला और जिसके कैप्शन में लिखा है कि जिसे आप ढूंढ रहे वह आपको ढूंढ रहा है। यानी टॉक्सिक फिल्म एक हाई एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिसमें इंडिया के सीईओ रॉकिंग स्टार यश अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं और ये फिल्म सन 2025 तक के सभी रिकॉर्ड को उखाड़ कर जमीन पर फेंक देगी और सन 2025 के बाद सिर्फ एक ही नाम होगा, इंडिया का सीईओ रॉकिंग स्टार यश, जिसके सामने किसी की भी खड़े होने की हिम्मत नहीं होगी। और अगर टॉक्सिक फिल्म में शाहरुख खान अपनी अहम भूमिका निभाते हैं तो आप ये समझ लेना कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड खतरे में पहुंच जाएगा, क्योंकि रॉकिंग स्टार यश अपने स्टारडम को लेकर बहुत ही सीरियस है। यहां तक कि जब शाहरुख खान ने रॉकिंग स्टार यश को एक फिल्म का ऑफर दिया तब इंडिया के सीईओ रॉकिंग स्टार यश ने बिल्कुल क्लियर स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि अगर फिल्म की स्टोरी में दम होगा तभी मैं उस फिल्म में काम करूंगा। इसे कहते हैं दमदार एक्टर होना, जो केवल सिर्फ एक ही है, रॉकिंग स्टार यश। क्योंकि जो बंदा शाहरुख खान को ऐसा बोल सकता है तो आप समझ लो कि वो बंदा कितना पावरफुल है। तो आप समझ लो कि टॉक्सिक फिल्म की कहानी कितनी दमदार होने वाली है, तभी रॉकिंग स्टार यश भाई ने उस फिल्म को साइन किया है। तो तैयार हो जाओ 2025 में इंडिया के सीईओ का स्वागत करने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जरूर, थैंक यू। यानी टॉक्सिक फिल्में, यानी टॉक्सिक एक